गाइस वेलकम बैक विद एन अनदर एपिसोड ऑफ उत्तराखंड डायरीज। तो आज टाइम क्या हो रहा है, मैंने घड़ी भी नहीं पहना। पहले टाइम क्या हो रहा है? 10:58। तो अभी टाइम हो रहा है 10:58 और मैं मॉर्निंग में बस उठा हूँ और मुंह तक नहीं धोया और निकल चुका हूँ। ये सब नहा धो के तैयार है, रेडी होके। गाइस चेक करो, पतंजलि का रिसर्च सेंटर, यहाँ पे कुछ ऐसा एंशियंट पीरियड टाइप बनाया है, ओल्ड मतलब स्टोनेज टाइप में घर कहाँ होते थे तो ऐसे ही गुफाओं में मतलब स्कल्पचर बनाए जाते थे। ये सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। और ये फालतू का फुटेज खाने आ गई बीच में। ये क्या वाटरफॉल? भाई ये क्या बना है क्या? एक्चुअली थेरेपी है जो पुराने लोग मतलब पुराना इलाज होता था ना। हाँ उसका है कि आपको कौन सी बीमारी है, इस थेरेपी को कौन सा बोलते हैं। जैसे सिरोधारा है, जैसे भाभी नहीं है, सेम थेरेपी यूज करते हैं। पता नहीं इलाज कर रहे हैं। अगर कोई सर का है तो सिरोधारा होनी है, उपना है कुछ और, ये है नस्या है, रक्त मोटा है। जैसे वो नहीं होता लीच वाला, नहीं बोलते जो मामी वो कहाँ भी रूपाली वो नहीं बोले तो लीच करनी थी। वो जो गंदा ब्लड होता है वो जो लीच होती है वो क्या करते हैं ना, तो लीच बोलते लीच थेरेपी। ये अभ्यंग एक थेरेपी है, ये सारी थेरेपी जो वो करते हैं ना वेलनेस सेंटर में, सेम थेरेपी होती है। ए बाबू अवेयरनेस के लिए ये सब किया है। आज है डे 3, सुबह के हो रहे हैं मतलब 11 बज गए ऑलमोस्ट, और हम आ चुके हैं पतंजलि के रिसर्च सेंटर पे। तो रिसर्च सेंटर में कुछ इस तरह है कि जितने भी मतलब पुरानी तरीके से जैसे इलाज होते थे वो बाकी वगैरह सब, तो उन्होंने यहाँ पे बताया एक स्कल्पचर के थ्रू पूरा उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कैसा क्या होता था पहले। तो पूरा देखिए, दवाई ना
तो अभी इस केव से बाहर आ गए हम। गाइस चेक करो, ये पीछे ये पतंजलि का हॉस्पिटल है। एक उम्मीद जाना है जस्ट एक आनी तो सीख सीखो भी पहला गेट, दूसरा गेट, किनको इनको किनको देखो हाँ कबूतर। तो गाइस यहाँ पे लगाया जा रहा है प्लांट्स।
ये बना है पूरा पत्थर है। पूरा आर्टिफिशियल बना के रखा हुआ है यहाँ पे। हेलो मैं ऊपर हूँ। खुशी हमारी ऊपर है। गाइस ये दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। रूपाली घर की साइड है पता? भाई को पता इसलिए पूछ रही हूँ। तो गाइस ये पतंजलि का गार्डन, ये हरिद्वार में पतंजलि फेस वन में। अगर कभी फ्यूचर में अगर हरिद्वार आने का प्लान बने तो ये गार्डन जरूर विजिट करना, बहुत खतरनाक है। आगे बढ़ते हुए गार्डन में कौन सी साइड जाना है पहले तो समझ में भी नहीं आ रहा है, इतने सारे रास्ते बनाए हुए यहाँ पे। तो फिलहाल भाई को फॉलो करेंगे, भाई क्योंकि ये गार्डन में घूम चुके ऑलरेडी। ले जाता हूँ 5-6 बजे बताया मिला थी। तो तुम रोटी खा लिया घर में हम या गया छो रिसर्च सेंटर ।
गाइस धूप बहुत है यहाँ पे, मेरी तो आंखें बंद हो रही है। मैं अभी थोड़ा जाके रिलैक्स लगा झाड़ियों के बीच में आके। जा रहे हम वापस बाहर, घूम लिया पूरा पार्क पूरा गार्डन। और हाँ एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, ये पार्क में अगर एंट्री करना हो तो ये रिसेप्शन पे पहले 50 रुपये भरना पड़ेगा। और अभी हम जा रहे हैं पतंजलि के मॉल। पतंजलि का मॉल आ चुका है भाई, यहाँ पे सिर्फ मॉल ही है ना, अंदर या और कुछ भी है? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी है। हॉस्पिटल में तो नहीं जाएंगे, फिर मॉल में जाएंगे। ये है मॉल गाइस, चेक करो, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ इसलिए मुझे पता है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे पीस।